अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो काफ़ी दिनों के बाद जो मौसम है आज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है आज। और जो मेरा लास्ट व्लॉग था जिसमें मौसम बड़ा अच्छा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देखें जाके। उसके अगले दिन या उससे अगले दिन अचानक से जो मौसम था वो दोबारा से बड़ा ठंडा और बारिश वाला हो गया था। हालांकि उस दिन काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक से जो है मैं कमरे में बैठा हुआ था तो जो दरवाज़े हैं वो उनके मतलब उनके बजने की आवाज़ आ रही थी और लग रहा था कि जैसे कोई उनको बहुत ज़ोर से मतलब मार रहा है। जब मैंने उठ के बाहर आके देखा तो आसमान जो है फुल डार्क क्लाउड्स में भरा हुआ था और इतने डार्क क्लाउड्स तरफ जो व्यू था वो इतना खूबसूरत था कि दिल कर रहा था कि बंदा जो है बस उसी को देखता जाए। लेकिन हुआ क्या कि मैंने उसमें व्लॉग तो बनाया, लेकिन जब मैंने उसको एडिट करने बैठा तो पता ही लगा कि जो हवा थी उसकी जो शोर है वो इतना था कि जो मेरी आवाज़ थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो खैर मैं वो उस व्लॉग के कुछ क्लिप्स जो वो मैं डाल दूंगा इस व्लॉग के अंदर ताकि आप भी वो देख सकें सारा व्यू जो आसमान का था उस वक्त। आज जो अब ये सीन है कि कोरोना वायरस की वजह से जो जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस और बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो आजकल हैं भाई बंद, और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी यही कहा गया हुआ है कि आप घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और सुनने में ये भी आया कि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली जो हीट है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मेरे यहाँ से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके अंदर जो है वो मर जाता है। उससे अगर बिलो टेम्परेचर है फिर वो थोड़ा सा सर्वाइव करता है, अदरवाइज़ अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे जो है वो मर जाता है। मैं अभी धूप में बैठ के अपने जो कोरोने हैं उनको ही मार रहा हूँ। खैर अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, अब आज जो मैं जिस चीज़ पर बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज से कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल है 5th या 6th मार्च की बात है, कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कॉमेडियन अमानुल्लाह साहेब की डेथ हुई थी। और वो इस इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर एज ए कॉमेडियन बहुत अरसे से काम कर रहे थे। हालांकि मैं भी उनको तकरीबन कोई 15 सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, और उनकी जो कॉमेडी थी वो इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी थी जिसको कह सकते हैं आप, कोई भी बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसको देख सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। और उनकी कॉमेडी इस तरह की थी कि कोई बंदा अगर उसका मूड ऑफ है या बड़ा डिप्रेस होके भी बैठा हुआ है, उनकी कॉमेडी देख के उसका भी जो मूड था वो अच्छा हो जाता था। तो लेकिन जो भी इस तरह के लोग होते हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं या बड़े दिल से अपना काम कर रहे होते हैं, उनका हमेशा जो एंड होता है वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। यानी कि जितने भी हमारी इंडस्ट्री में लोग होते हैं, जब तक वो अपना काम कर रहे हैं, जब तक वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तब तक जी उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा उनका नाम है, बड़े वो जनाब अच्छे हैं और ये वो। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो सब लोग ये भूल जाते हैं कि भाई वो क्या हैं, वो क्या नहीं है। मैंने खुद बहुत सारे इस तरह के लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, बड़ा पैसा भी कमाया, चलें ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन जब वो बीमार होते हैं, जब उनका के हालात ख़राब होते हैं, तो कोई भी उनका साथ नहीं देता। तो अभी ये है कि जब उनकी डेथ हुई और मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर ये था कि जिस
कॉलोनी के अंदर या जिस हाउसिंग सोसाइटी में उनका घर था, मेरा ख्याल है वहीं पे उनकी जो है वो ही का जो है वो ग्रेवयार्ड था, और उसी के अंदर उनकी जो डेड बॉडी है उसको दफनाना था। लेकिन जो उस हाउसिंग सोसाइटी के जो ओनर्स थे या जो भी उनकी कह लें कि फैकल्टी थी, तो उन्होंने उनकी ज़ात पात को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि जी कि ये तो मिरासी हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, तो हमने इनको यहाँ पे जगह नहीं देनी। विच वॉज वेरी सैड कि यार एक इंसान ने सारी ज़िंदगी एक नेशन के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया, पाकिस्तान को हंसाने में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, और एंड पे उसी मुल्क के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इनको यहाँ पे जगह नहीं देनी बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। मेरे नज़दीक तो ये मतलब बड़ी चीप हरकत थी कि यार एक इंसान अब इस दुनिया से जा चुका है और सारी ज़िंदगी उसने आपको हंसाया या उसने आपके कंट्री के लिए सर्व किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया हुआ है, इंडिया में परफॉर्म किया हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड जो है वो उनकी इज्जत थी, उनका नाम था, और जो अपने मुल्क के लोग हैं वो क्या रद्द अमल कर रहे हैं उनके साथ कि उनको अपने आखिरी वक़्त में जगह ही नहीं दे रहे कि भाई इनकी तो ज़ात ही ये है, तो उनका तो ये या इस तरह की जो हरकतें, इतनी गैर मुनासिब हरकत है ना ये, कि इंसान को दुख होता है यार कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो मज़हब है वो हमें ये कहता है जी किसी को भी रंग सूरत नस्ल ये वो पे नहीं देखना, और हम इन्हीं चीज़ों के बिना पर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि जी ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो खैर ये जो हरकत थी बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नत अल-फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस तरह की हरकतें हमें बड़ी सोच समझ कर जो है ना हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि हम किसी को डिग्रेड ना करें, पहले उसको देख तो लें कि उसने हमारे लिए क्या किया है, फिर हम बोलें। मतलब बोलना तो वैसे भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के ऊपर के किसी की ज़ात पात देख के बड़ा वो इंसान का दिल दुखता है। पता नहीं लोग किस तरह के होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, या उनका दिल किस तरह मानता है इस तरह की हरकतें करने का, समझ से बाहर। तो उसके अलावा ये है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सब कुछ बंद है, स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस, इवन के ये भी रूल लागू हो चुका है आई गेस कि कहीं पर भी 5 बंदे इकट्ठे ना खड़े हों, और घर से भी कम निकला जाए, अपने फेसेस को कवर किया जाए। हालांकि मैंने भी पिछला जो व्लॉग था मेरा जिसमें मैंने मास्क पहना हुआ था, उसमें मैंने भी जिक्र ही किया था उन चीज़ों का कि यार आप ये वाले स्टेप्स लें या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, तो उससे अगले दिन ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये लागू हो गई थी। तो अभी ये है कि 15-20 दिनों के लिए ये सारी चीज़ें लागू हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ख़तरा है कोरोना वायरस का पाकिस्तान के अंदर एंटर होने का, और चंद केसेस भी हैं जो इस वक्त सामने आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के, जिन लोगों ने ट्रैवल किया था किसी बाहर के मुल्क से वो पाकिस्तान में आए तो वो अपने साथ ही शायद लेके आए हैं। तो है आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, घर में रहें, और कोशिशें करें कि अपने मुँह को कवर्ड रखें अगर आपकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो गला ख़राब, फ्लू और फीवर तो नहीं, खैर गला ख़राब और फ्लू जो है ना बड़ा कॉमन हुआ हुआ है। इवन कि मुझे खुद है, मेरा अपना गला ख़राब है, तो मैं तो ज़रा सबसे दूर दूर ही रह रहा हूँ ताकि मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए। तो ये है कि वाकई में एक सीरियस मैटर है, हमें बिल्कुल भी इस पर मजाक नहीं करना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो सीरियस होना चाहिए। अब क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, तो घर से बाहर निकलना तो मुनासिब नहीं है, तो जिसका मतलब यही है कि अगले चंद व्लॉग्स जो हैं वो आपको इधर ही इसी जगह पे, अगर धूप हुई तो इसी धूप के नीचे या बादलों के नीचे ही मिलेंगे।
तो आज का जो व्लॉग है वो इसी टॉपिक पर था कि मुझे सर अमानुल्लाह के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था कि जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल आज का व्लॉग यहाँ तक कि हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Inside my own world of make-believe.